नमस्कार साथियों, सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक एक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह 5 दिवसीय किसान प्रशिक्षण आत्मा परियोजना दौसा जिला द्वारा प्रायोजित था, जिसमें दौसा जिले के विभिन्न तहसीलों के 30 किसानों ने भाग लिया। सरसों अनुसंधान निदेशालय में किए गए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए निदेशालय के निदेशक डॉक्टर पीके राय ने अपने संबोधन में कहा, ये खास करके जो सरसों के किसान हैं, विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में, उन्होंने इस सरसों की खेती के वैज्ञानिक तरीके को कमोबेश अपनाया कि आज समय के साथ साथ वे किसानों को उन्नत और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा। खेती से आमदनी लगातार घटती जा रही है, इसलिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर अपना उत्पादन बढ़ाएं और आमदनी बढ़ाएं। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में निदेशालय के विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा किसानों को राई सरसों से अधिक उत्पादन लेने के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जैसे कि उन्नत किस्में कौन कौन सी किसान भाई काम में ले सकते हैं, राई सरसों में कीट प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है, राई सरसों में रोग प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है, कीट एवं रोगों की पहचान किस तरीके से करें, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, उन्नत शस्य क्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। अन्य विषयों के बारे में निदेशालय के विशेषज्ञों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ के साथ कुछ विषय ऐसे जो कृषि प्रबंधन के तहत आते हैं, जैसे कि सरसों के साथ मधुमक्खी पालन को किस तरीके से किया जाए, उसके बारे में भी किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। और संस्थान के जो म्यूजियम है उसका किसानों को एक भ्रमण कराया गया, वहाँ पे इनको जानकारी दी गई, जो विभिन्न चार्ट एंड पोस्टरों के माध्यम से राई सरसों के विभिन्न पहलुओं की जो जानकारी है वो इन किसानों को दी गई। सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा जो विभिन्न तरीके के अनुसंधान किए जा रहे हैं, उन प्रायोगिक प्रक्षेत्रों का भ्रमण कराया गया, उनको प्रायोगिक जानकारी दी गई, किस तरीके से रोग लगता है उसकी कैसे पहचान करें, कैसा प्रबंधन करें, किसान भाइयों को राई सरसों के तहत काम आने वाले उपयोगी जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं उसके बारे में भी प्रायोगिक जानकारी दी गई कि किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि निराई गुड़ाई के लिए डबल व्हील हैंडो है, और आपका जिस तरीके से बीज की बुआई के लिए जो आज आधुनिक मशीन है बीज बुआई के लिए उसकी जानकारी दी गई, और कंबाइंड हार्वेस्टर का किस तरह के प्रयोग किया जाए उसकी जानकारी दी गई, और अन्य जो उपकरण है जो राई सरसों खेती में काम आते हैं उनके बारे में भी किसानों को प्रायोगिक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को जो निदेशालय के अंदर एक मशरूम की इकाई लगी है उसका भी भ्रमण किया गया, और मशरूम उत्पादन के बारे में भी जानकारी दी गई ताकि किसान भाई मशरूम उत्पादन करके भी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ के साथ किसानों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, और एक जो समापन अवसर के ऊपर निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विजय वीर सिंह जी ने कहा कि सभी किसानों को जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन किसानों को इन प्राप्त ज्ञान का अपने खेत के अंदर प्रयोग करें और एक दूसरे किसानों को भी बताएं। अच्छी किस्मों का जो विभिन्न परिस्थितियों के तहत बोई जाती है उनका आप प्रयोग करें, और जो भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से सीखा उसका प्रयोग करके और जो भी फीडबैक आती है वो इस निदेशालय के वैज्ञानिकों को जरूर बताएं, और निदेशालय के संपर्क में रहें। अगर कोई समस्या आती है तो निदेशालय के वैज्ञानिक या निदेशालय किसानों की सेवा के लिए सदैव तत्पर है।